प्रदेश में संविदा शिक्षकों के शिक्षा विभाग में संविलियन से इंदौर जिले के लगभग 4000 संविदा शिक्षकों को इसका लाभ मिलेगा। ऐसे में शिक्षा विभाग के अधिकारियों का दावा है कि विभाग में संविलियन को लेकर कागजी खानापूर्ति पूरी हो चुकी है, आने वाले समय में इसको लेकर आदेश भी दे दिए जाएंगे। देखिए रिपोर्ट। लंबे समय से खुद को शिक्षा विभाग में शामिल किए जाने को लेकर संघर्ष कर रहे संविदा शिक्षकों को सरकार की ओर से संविलियन पर खुशखबरी तो पहले भी मिल चुकी है, लेकिन एक दो दिन के भीतर कागजों पर भी इसे अमलीजामा पहना दिया जाएगा। जिला पंचायत सीईओ नेहा मीणा ने अंतिम समीक्षा बैठक आयोजित कर आदेश जारी करने पर हरी झंडी दे दी। शिक्षा विभाग के डीओ के मुताबिक जिले से लगभग 4000 संविदा शिक्षकों की सूची तैयार हुई है, जिसे जिला पंचायत सीईओ के द्वारा ली गई बैठक में हरी झंडी दे दी गई है। अधिकारियों का दावा है कि एक से दो दिन में इस सूची को लेकर आदेश जारी हो जाएंगे। ये बैठक नहीं थी आज, जैसा कि आपको मालूम पड़े मध्य प्रदेश में शिक्षक संविलियन का काम चल रहा है और शिक्षक संविलियन के अंदर वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक और सहायक अध्यापक की पोस्टिंग होनी है शिक्षा विभाग के अंदर। आज हमने वो काम पूरा कर लिया है और हमने आज हमारी जिला स्तरीय टीम ने उसको पारित कर दिया है। 3 तारीख को हम इंदौर जिले के शिक्षकों को शिक्षा विभाग में संविलियन करने जा रहे हैं। करीब 4000 शिक्षक है, उसमें वरिष्ठ अध्यापक हैं 250-300, उसके बाद 950 करीब अध्यापक हैं और बाकी शेष रिमेनिंग सहायक अध्यापक हैं। और आप सबके सहयोग से बड़ी खुशी हो रही है मुझे कि मैं 3 तारीख को उनका आदेश जारी करूँ। आपको बता दें कि सरकार के इस फैसले से संविदा शिक्षक प्रधान अध्यापक व सहायक अध्यापक के पद पर शिक्षा विभाग का हिस्सा बनेंगे, जो एक बड़ी सौगात है। हालांकि इस फैसले को भी सरकार के चुनावी कदम के तौर पर देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।